हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 का अगला वीडियो लेकर के आया हूं जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी या स्केप स्पीड क्या होता है, तो चलिए इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि अर्थ में क्या हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वापस वो जमीन पर अर्थ सरफेस के किसी पॉइंट पर आके गिरता है। ठीक है, अर्थ सरफेस के किसी पॉइंट से किसी भी चीज़ को अगर ऊपर फेंकना है और उसको लगातार कंटिन्यूस वो ऊपर ही चला जाए, इसके लिए जितना हमको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा उसी एनर्जी को या उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे स्केप स्पीड या स्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग एक ही चीज़ बोलेंगे स्केप वेलोसिटी में लेकर करने चलेंगे कि अर्थ सरफेस के किसी एक पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकना है जिससे वो रिटर्न ना आए, वापस ना आए उसी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, स्केप वेलोसिटी। ठीक है, या उसी स्पीड को हम लोग बोलेंगे स्केप स्पीड। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन। मान लिया जाए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है ओ पॉइंट पर, इसको हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं। या एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जो रॉकेट आप लोगों ने देखा होगा, रॉकेट जब भी लॉन्च करता है वो क्या करता है कि देखिए अर्थ सरफेस के अगर किसी भी पॉइंट से अगर हम यहाँ से कुछ अगर छोड़े तो वापस वो कहाँ आकर गिरेगा, अर्थ में ही आकर गिरेगा। तो क्या होता है रॉकेट में ऐसा क्या किया जाता है कि अर्थ सरफेस से उसको निकलने के लिए इतना वेलोसिटी इतना स्पीड दिया जाता है कि वो अर्थ सरफेस से निकल करके ऊपर चला जाता है। ठीक है, जो वापस नीचे नहीं गिरता है, तो उस वेलोसिटी के साथ उस स्पीड के साथ उसको ऊपर की ओर धकेला जाता है। ठीक है, जब भी देखना कि रॉकेट लॉन्च होता है तो उस समय क्या होता है कि उसके चारों ओर जो होता है एक तरह का आग के जैसा या फिर बहुत सारा गैस जो होता है वो ऊपर धकेलने का काम करता है। उसी स्पीड को क्या बोलते हैं, उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया इसका डिफिनेशन। ये मान लिया जाए पॉइंट ओ, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ बी पॉइंट इस अर्थ सरफेस का कोई पॉइंट मान लिए, यहाँ से पी पॉइंट एक इन्फिनिटी का पॉइंट मान लिया और क्यू उसके सामने का एक कोई पॉइंट मान लिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या ले लिया, डी एक्स, और ये पूरे का डिस्टेंस ले लिया हम लोग एक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले लिखते हैं डिफिनेशन, उसके बाद फिर से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो कॉपी और पेन निकाल लेना है और डिफिनेशन लिखते चलना है। द एस्केप वेलोसिटी, द एस्केप वेलोसिटी, द एस्केप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, इज defined as the maximum speed with which a body must be thrown upwards so that it goes just beyond the gravitational force of attraction of the earth and it may not return to the earth। देखिए इतना बड़ा डिप्रेशन देख के आप लोगों को डरना नहीं है। ठीक है, हम लोग इस डिप्रेशन को पहले समझेंगे पढ़ेंगे। देखिए दिस स्केप वेलोसिटी इज डिफाइंड है, जिसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ बॉडी मस्ट बी थ्रॉन अपवर्ड।
वह मैक्सिमम वेलोसिटी, वह मैक्सिमम स्पीड जिसके साथ बॉडी को क्या किया जाता है, ऊपर की ओर धकेला जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, थ्रोन अपवर्ड, सो दैट इट गोस जस्ट बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस स्पीड के साथ उसको फेंका जाता है जिससे वो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से अपवर्ड की ओर चला जाता है। ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एंड इट मे नॉट रिटर्न टू द अर्थ। इस स्पीड के साथ, इस वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया जाता है कि वापस वो ग्रेविटेशनल फोर्स में या अर्थ में ना आए। जब भी आप लोग रॉकेट लॉन्च करते हुए देखते होंगे, कभी कभी क्या होता है, जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसका स्पीड या उसका वेलोसिटी कम होने के कारण क्या होता है कि कुछ दूर ऊपर जाता है फिर वो वापस अर्थ सरफेस में ही कहीं पर आकर के गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है कि उसको जितना मैक्सिमम स्पीड चाहिए था, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए था, उतना वेलोसिटी, इतना स्पीड उसको नहीं मिल पाया, जिसके कारण वापस वो ग्रेविटेशनल फोर्स कारण अर्थ सरफेस पर ही आकर के गिर जाता है। तो साइंटिस्ट लोग के लिए, जिसको भी साइंटिस्ट बनना है या फिर रिसर्च करना है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आप लोगों को इससे अच्छे से पढ़ना चाहिए कि कोई बॉडी को अगर हमको ऊपर की ओर फेंकना है या फिर रॉकेट को लॉन्च करना है तो उसको हम मैक्सिमम उतना वेलोसिटी या स्पीड हमको देना पड़ेगा जितना कि वो अर्थ सरफेस से ग्रेविटेशनल फोर्स से वो उस फील्ड से बाहर निकल पाए, उसको हम लोग बोलेंगे स्केप वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब हम लोग आते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूव में। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आप लोग लिख लोगे, अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, जैसे नहीं भी लिखा होगा वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, ये फिगर आप लोग चाहोगे तो बना सकते हो, है ना, अब ये फिगर का ही काम आएगा। चलिए, अब इसके आगे तो देखिए, हमको कोई भी चीज़ का अगर हमको वर्डन निकालना है या फिर कुछ निकालना है तो हम लोग अर्थ सर इन्फिनिटी से, इससे पहले भी जितना क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें क्या किए हम लोग कि पी और क्यू दो पॉइंट मान लिए इन्फिनिटी का, उन दोनों के बीच का हम लोग वर्डन निकाल लिया, पूरे का वर्डन निकालने के लिए उसको हम लोग सिर्फ इंटीग्रेट कर दिया तो हम लोग का आंसर जो था वो फाइंड हो गया था। ठीक है, तो वैसा भी आज हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, तो लिखिए इसके बाद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन मास एम एट पी इज, इस पी पॉइंट पर है ना, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन मास एम एट पी इज, ये बॉडी है तो इसका मास होगा, इस मास के कारण इस पी पॉइंट पर कितना हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इससे पहले भी हम लोगों ने इस फॉर्मूला को पढ़ा था, एफ इक्वल टू जी एम स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर, इससे पहले भी क्वेश्चन में हम लोगों ने इस फॉर्मूला को पढ़ा था। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन को फाइंड करेंगे, द स्मॉल amount of work done is moving mass m from p to q। देखिए, अब इन दोनों के बीच में हम लोग small amount of work done निकालेंगे, ये बहुत ही क्लोज होगा, है ना, ये दो पॉइंट जो है p और q जो होगा आपस में बहुत ही क्लोज होगा, यहाँ पर हम लोगों ने समझने के लिए इतना दूर इसको दिखाया हुआ है। ये P और Q जो होता है वो बहुत ही सामने का पॉइंट होता है, बहुत ही नज़दीकी का पॉइंट होता है। तो P और Q का हम लोग अगर फाइंड कर लेंगे वर्डन तो क्या करेंगे, पूरे से इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे का जो हम लोगों का वेलोसिटी है वो फाइंड, या पूरे का जो वर्डन है वो हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन, तो यहाँ पर एफ डब्ल्यू, तो यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, ये इसमें फोर्स एफ ले लिए और डी एक्स जो इसका पी और क्यू के बीच का डिफरेंस था। ठीक है, तो यहाँ से एफ का वैल्यू जी एम स्मॉल एम, देखिए ये कैपिटल एम और स्मॉल एम में डिफरेंस आप लोग को ध्यान देना होगा जब भी आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, और यहाँ से डी एक्स ये वैल्यू हम लोग को, इसे क्वेश्चन नंबर हम लोग टू मान लिए। ठीक है,
चलिए अब हम इसको रफ कर चलते हैं। आप लोग यहाँ क्या करो, क्या करोगे कि लिखते चलना है, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है जिससे कारण आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। चलिए ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, एफ इक्वल टू जी एम स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन फाइंड हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन को फाइंड करेंगे। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग मास एम फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी। अर्थ टू इन्फिनिटी, कोई भी चीज़ को हम लोग कहाँ से थ्रो कर रहे हैं, तो अर्थ के किसी पॉइंट से हम लोग थ्रो कर रहे हैं, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, उसको हम लोग इन्फिनिटी में भेजने का काम कर रहे हैं। तो वर्डन हम लोग को फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन एफ डब्ल्यू का वैल्यू जो हम लोग लाए हैं वो इक्वेशन नंबर टू से हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से, अर्थ में कर रहे हैं, तो अर्थ में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पर हम लोगों ने आर लिया हुआ है, तो यहाँ पर लोअर में क्या हो जाएगा, आर, और अपर में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। ये आर से हम लोगों ने लिया हुआ है यहाँ पर, और ये इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इन्फिनाइट का बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन जी एम स्मॉल एम बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ से डी एक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कैलकुलेशन आपका स्टार्ट हो गया है, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अब रफ करते हैं। चलिए यहाँ से जो भी आपका कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकालिए, या फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, W, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं W इक्वल टू यहाँ से जी एम एम, ये कांस्टेंट टर्म था, ये बाहर निकाल दिए हम लोग, ठीक है। यहाँ से लोअर लिमिट R, अपर लिमिट इन्फिनिटी, यहाँ से आपका क्या बच गया, वन बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ से डी एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसके अगले लाइन में हम लोग क्या करोगे कि 1 बाय यहाँ से हटा करके यहाँ फिर इन्वर्स लगा दो, ठीक है, पावर में 2, अगले लाइन में करना है आप लोगों को। चलिए उसके अगले लाइन में क्या करना है, यहाँ पर माइनस 1 दे करके और यहाँ पर माइनस 1 लगा देना है, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये यहाँ पर वाइट बोर्ड है, इसीलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर अब हम करेंगे तो अगले लाइन में सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से ये माइनस को आगे ले जाएंगे जी एम स्मॉल एम, ठीक है। यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, आर टू इन्फिनिटी, यहाँ से वन बाय एक्स। देखिए अब ये तो माइनस चल गया, तो यहाँ से माइनस वन है, तो इसको वन बाय एक्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या छूट रहा है, तो डी एक्स छूट रहा है ना, डी एक्स छूट रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, अब डब्ल्यू इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम, यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा वन बाय एक्स का पावर, देखिए लोअर लिमिट आर, अपर लिमिट इन्फिनिटी। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जी एम स्मॉल एम, यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, पहले अपर लिमिट को हम लोग पुट कर लिए, वन बाय इन्फिनिटी माइनस वन बाय आर। ये देखिए एक बार अपर लिमिट को पुट किया, एक बार लोअर लिमिट को, 1 बाय इन्फिनिटी एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे इन्फिनिटी का, फिर माइनस आर का 1 बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये जीरो, ये टोटल टर्म खत्म हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ से आर बच जाएगा, सॉरी ये आर बच जाएगा, है ना। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से जी एम स्मॉल एम, ठीक है। अब यहाँ से क्या बच गया आपका, नीचे आर, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग थर्ड मान लेंगे। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन फाइंड हो गया हम लोगों का, अब हम लोग काम करेंगे वेलोसिटी के लिए। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर लिख करके रख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है ना। चलिए अब इस फिगर का भी काम खत्म हो गया है, तो आप लोग इसको बना लिए होंगे आई होप। चलिए इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तीनों आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, लिख लीजिए यहाँ पर, इफ वी ई, वी इक्वल टू क्या हो गया, स्केप वेलोसिटी, स्केप स्पीड ऑफ वेलोसिटी,
ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देन वर्क डन एट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देन वर्क इज डन एट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क डन जो होगा वो कैसे लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी के कारण जो आपका लॉस होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर वी के जगह पर हम लोग क्या लिए हैं, वी ई, इसको हम लोग मान लिए स्केप स्पीड ऑफ वेलोसिटी, वन बाई टू एम वी स्क्वायर हम लोग बोलते हैं ना काइनेटिक एनर्जी को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वन बाई टू मतलब या हाफ एम वी के जगह पर क्या है, वी ई स्क्वायर। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो वैल्यू हम लोगों ने लाया हुआ है वो वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर। सॉरी, यहाँ से देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, वन बाय इन्फिनिटी माइनस वन बाय आर था, और ये एक माइनस माइनस आगे था, तो यहाँ से ये टर्म तो जीरो हो गया, तो यहाँ से ये माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस का यूज हम लोग अब नहीं करेंगे, है ना, माइनस को हम लोगों ने माइनस माइनस प्लस कर दिया। चलिए अब जो टर्म यहाँ से कटेगा उसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ से स्मॉल एम कटेगा, यहाँ से भी कटेगा। अब देखिए यहाँ से वी ई का वैल्यू क्या बच गया, वी ई स्क्वायर का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से आपका ये इधर चल जाएगा इनटू में टू जी एम बाय आपका क्या बच गया, यहाँ से आर बच गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड को भी अब हम लोग रफ करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लगेगा, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको अगले लाइन में आप लोग करना है कि स्क्वायर को हटा करके इसमें रूट लगा देना है, ठीक है। यहाँ से रूट लगा दिए, अब हम लोग जानते हैं कि स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी आर का वैल्यू, जी एम का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से जी एम का वैल्यू निकालेंगे तो जी आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग मान लेते हैं इसको फोर, इसको मान लेते हैं हम लोग फाइव। अब हम लोग वापस आते हैं उसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फोर में, तो वी ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से वी ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से जल्दी बताइए आप लोग, यहाँ से बच गया आपका टू। अब जी एम का वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, जी आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, ठीक है। अब नीचे में क्या हो जाएगा आपका आर, तो यहाँ से आपका क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बच जाएगा आपका, वी ई इक्वल टू यहाँ से टू जी आर बच जाएगा, ठीक है, ये अंडर रूट में हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो आप लोगों को ये याद रखना होगा कि यहाँ पर जब किसी भी बॉडी को अर्थ सरफेस से अगर हम लोग ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो कम से कम हमको कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, वी इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर के बराबर हम लोगों को अर्थ सरफेस से उतना स्पीड उतना वेलोसिटी हम लोग को देना पड़ेगा ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो स्केप वेलोसिटी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपके लिए जानना भी जरूरी था, कभी आप फिजिक्स लेकर के पढ़ोगे तो रिसर्च में जाओगे या फिर कभी साइंटिस्ट बनोगे तो ये सब चीज़ का आपको जरूरत पड़ेगा, है ना। तो इस तरह का वीडियोस भी और मैंने अपलोड किया हुआ है, जो बच्चे नए हैं वो मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।